कोरोना के 12,830 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 446 लोगों की हुई मौत। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को अंतिम विदाई देने बहुत सी हस्तियां पहुंची, सीएम का दर्द भी झलका। लखनऊ के 9 मेट्रो स्टेशनों पर लगी लंगूरों की तस्वीरें। 1 नवंबर से हुए बड़े बदलाव, ट्रेनों का टाइम टेबल बदला, तो वहीं एलपीजी की ओटीपी से होगी बुकिंग। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास लैंडमाइन विस्फोट में 2 सैनिक हुए शहीद, तो वहीं 3 जख्मी। अयोध्या में महिला बैंक अफसर ने दी जान, आईपीएस समेत 3 पुलिसकर्मियों पर उकसाने का आरोप। स्वरा भास्कर ने विराट कोहली का ट्वीट शेयर कर किया मोहम्मद शमी का समर्थन, लोग बोले पहली बार कुछ सही किया। सलमान खान ने रोहित शेट्टी से कर दिया कमिटमेंट, सिंघम के साथ आएगा चुलबुल पांडे। गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी, स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचे। देश एकजुट रहेगा तभी आगे बढ़ेगा, पीएम मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर दिया संदेश।